नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ आरएस एंटरटेनमेंट की बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड कप 2019 की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है और एक साल से भी कम समय बचा हुआ है। यानी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के लिए एक साल से भी कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टीम इंडिया के वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनके लिए ये अपना आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया के बहुत से एक्सपीरियंस्ड ऐसे प्लेयर्स टीम में हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, जो कि उम्र के साथ अपने रिटायरमेंट ले लेंगे। लिस्ट में पहला नंबर पर नाम आता है एमएस धोनी का। एमएस धोनी इंडिया के फॉर्मर इंडियन कैप्टन और जो अपना चौथा ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इन्होंने अपना वर्ल्ड कप में डेब्यू 2007 में किया था, जब कप्तानी कर रहे थे राहुल द्रविड़। तो वहीं 2011 के वर्ल्ड कप को एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने जीता और इतिहास रच दिया। लेकिन अब इन्होंने अपनी उम्र के चलते ही टेस्ट मैचेस से संन्यास लिया, लेकिन ओडीआई और टी20 में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इनकी उम्र की बात की जाए तो 36 साल के हो चुके हैं और अब वर्ल्ड कप 2023 खेल पाना इनके लिए बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि तब तक एमएस धोनी आसानी से ही रिटायरमेंट ले सकते हैं। और इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाए तो ऋषभ पंत, ईशान किशन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो समय के साथ और अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और जिनकी टीम में जगह बनना भी आसान है। तो वहीं नंबर दो पर नाम आता है विस्फोटक ओपनर, वो है शिखर धवन का। शिखर धवन की बात की जाए तो ये लगातार अपना दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप 2015 में शिखर धवन पांचवे हाईएस्ट रन गेटर भी बने थे। इन्होंने 412 रन बनाए और जिनमें इनकी एवरेज थी 51.50 की। हाल फिलहाल के फॉर्म की बात की जाए तो शानदार इनका फॉर्म है। वर्ल्ड कप 2019 खेलने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 खेल पाना इनके लिए भी बेहद मुश्किल है। तो वहीं नंबर तीन पर आने वाले प्लेयर की बात की जाए तो वो भी विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा है। लेकिन रोहित शर्मा के कहीं ना कहीं चांसेस जरूर से हैं कि वो वर्ल्ड कप 2023 खेल सकते हैं, क्योंकि इनकी उम्र अभी 31 साल की है और 180 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं। इतना इन्हें एक्सपीरियंस है, 6594 रन अभी तक बना चुके हैं और इनका एवरेज देखा जाए तो 44.55 का है। यानी ओडीआई में भी अच्छा रन्स ये स्कोर करते हैं और अपोजिशन पर डोमिनेट करके खेलते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकी भी उम्र को लेकर ये बात जरूर से उठ सकती है कि क्या ये 2023 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया में और कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप 2023 नहीं खेल पाएंगे, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं एमएस धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा जो वर्ल्ड कप 2023 भी खेल पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखें। धन्यवाद।